वेलकम गाइस, आज हम लोग जानेंगे राइटिंग रेजोल्यूशन ऑफ मीटिंग। एक मीटिंग के रेजोल्यूशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। मीटिंग के मिनट्स कैसे लिखते हैं, इस ये मैंने पहले ही वीडियो में डिस्कस किया है, उसका लिंक आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगा, क्लिक करके देख लीजिएगा। और टेक्निकल राइटिंग का पूरा सिलेबस का अनुसार पॉइंट बाय पॉइंट मैंने कवर करके रखा है एक वीडियो सीरीज़ में, उस प्ले लिस्ट का भी मैंने लिंक दे के रखा है एंड स्क्रीन में या आई बटन में भी यहाँ दे दूंगा। तो प्लीज़ या लोग चैनल में जाकर भी विजिट कर सकते हैं। टेक्निकल राइटिंग का एक प्लेलिस्ट क्लियरली लिखा हुआ है, वहाँ पे सारा वीडियोस इस रिलेटेड है टेक्निकल राइटिंग रिलेटेड, और सिर्फ बर्दवान यूनिवर्सिटी का नहीं, आजकल तो सारा ही यूनिवर्सिटी में यूजीसी ने जो न्यू एनईपी फोर ईयर्स ग्रेजुएशन किया है उसमें फंक्शनल इंग्लिश या टेक्निकल इंग्लिश दिया ही रखा है, तो ये सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। प्लीज़ डू चेक आउट द वीडियोज़। ओके, तो आइए अब हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं रेजोल्यूशन ऑफ मीटिंग क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और एक सैम्पल के जरिए भी हम लोग पॉइंट बाई पॉइंट समझेंगे। देखिए, रेजोल्यूशन का मतलब सीधा सीधा होता है प्रस्ताव, ठीक है। कोई भी मीटिंग में आप कोई प्रस्ताव जैसे पारित कर, जैसे होता है ना, जैसे लोकसभा या राज्यसभा में जैसे कोई प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है, फिर उसमें आलोचना होता है, उसका मेरिट डिमेरिट लेके डिस्कशन होता है, फिर उसमें वोटिंग होते हैं कि अगेंस्ट में कितने हैं, फॉर में कितने हैं, फिर उस हिसाब से वो पास या फेल होता है ना। तो एकदम सेम टू सेम चीज़ है रेजोल्यूशन ऑफ मीटिंग। कोई मीटिंग में कोई चीज़ लेके, कोई पॉइंट लेके डिस्कशन होना, उस पर कोई प्रस्ताव पारित होना, ठीक है, उस प्रस्ताव में पहले आलोचना होगा, डिस्कशन होगा, उसका मतलब सारा डूज एंड डोंट्स निकाला जाएगा, प्लस एंड माइनस निकाला जाएगा, फिर उसमें वोटिंग होगा, एंड एट द एंड वो पास या फेल होगा। ये है सीधा बात रेजोल्यूशन। अब इसका स्ट्रक्चर को जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले आपको रेजोल्यूशन लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रेजोल्यूशन, फिर उसके नीचे रेजोल्यूशन नंबर, फिर इंसर्ट नंबर, यानी कि जो भी नंबर होगा आपका, ठीक है, वो डाल दिया जाएगा यहाँ पे। उसका बाद आपको टाइटल देना है कि रेजोल्यूशन का टाइटल क्या है, प्रस्ताव किस विषय को लेके, प्रस्ताव का शीर्षक क्या है, टाइटल क्या है, वो देना है। फिर डेट की कौन से दिन में रेजोल्यूशन लेके आया जा रहा है, मान लीजिए अगर 24 अप्रैल को लेके आया जाए तो 24 अप्रैल लिखना पड़ेगा, ठीक है, और फुल डेट देना है, 24 अप्रैल मतलब साल मंथ डेट पूरा उस हिसाब से। फिर से आपका रेजोल्यूशन टाइटल देना है, ठीक है, एंड फिर आपको लिखना है कि एक्चुअली में प्रस्ताव किस चीज़ का है, ठीक है ना, कि और थोड़ा हल्का सा ये डिटेल्स में लिखना है, डिटेल्स मतलब एकदम पन्ना तर पन्ना भी नहीं लिखना है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल्स में लिखना है कि रेजोल्यूशन किस बारे में है, प्रस्ताव किस बारे में है, ठीक है, और उस प्रस्ताव में क्या क्या बताया जा रहा है, क्यों वो प्रस्ताव लाया जा रहा है, इसका बारे थोड़ा सा लिखना है। फिर आपका आएगा रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट में आपका क्या लिखना है, रिजल्ट में आपका लिखना है कि प्रस्ताव का आखिरकार आउटकम हुआ क्या, ठीक है, वो जो प्रस्ताव लाया गया तो प्रस्ताव से अगर प्रस्ताव पारित हो गया तो उससे फायदा क्या होगा, ठीक है, या उसका आउटकम क्या होगा, ये दिखाना है। फिर आपको यहाँ वोट्स डालना है, ठीक है ना, वोट्स कि कौन कितना वोट दिया है, देखिए अंडर में सब टॉपिक करके दिया भी हुआ है, इन फेवर यानी पक्ष में कितने लोग वोट दिए, ठीक है, तो जो जो लोग वोट दिए उनका नाम यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ अगेंस्ट मतलब जो प्रस्ताव है उसका विपक्ष में कितने लोग वोट दिए तो उनका भी लिस्ट ऑफ नेम डालना है, ठीक है, और एब्सटेंशंस, ठीक है, एब्सटेंशन यानी कितने लोग वोट देने से मतलब खुद को अलग करके रखे, ठीक है, वोट नहीं दिए, वोट देने का इस प्रोसेस से खुद से अलग रखे, दैट्स कॉल्ड एब्सटेंशन। तो एब्सटेंशन में अगर कोई होगा कि कोई जो वोट नहीं लिया होगा, वोट में हिस्सा नहीं होगा, उसका नाम डालना है, या एक से ज़्यादा होगा तो उसका लिस्ट ऑफ नेम डालना है। फिर आखिर में जो है पास्ड या फेल्ड, ओके, सो दैट इंडिकेट्स वेदर द रेजोल्यूशन वॉज पास्ड और फेल्ड, मतलब अल्टीमेट हुआ क्या, कि वोट लिया गया, ठीक है, डिस्कशन हुआ, उसके बाद क्या जो प्रस्ताव है वो पारित हुआ या नहीं हुआ, वो आखिरकार जानना है, ठीक है। फिर अब एक सैम्पल देख लेते हैं, सैम्पल ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ मीटिंग। पहले तो सिर्फ स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, फॉर्मूला के किस किस हिसाब से लिखा जाता है, अब टोटल एक इन डिटेल्स वो हम लोग जा करके देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है रेजोल्यूशन, उसका बाद जो है रेजोल्यूशन नंबर, देखिए यहाँ पे क्लियरली दिखा गया है 2023001, यह रेजोल्यूशन नंबर दिया गया है। फिर इसके नीचे क्या है, टाइटल, कि अब जो प्रस्ताव ला रहे हैं प्रस्ताव का शीर्ष क्या है, उसका टाइटल क्या है, अडॉप्शन ऑफ रिवाइज्ड प्रोजेक्ट स्केड्यूल। तो जो प्रोजेक्ट था ये एक्चुअली है ना, ये जो मैंने मिनट्स ऑफ मीटिंग डाला था ना, उसमें जो विषय में मिनट्स लिखा गया था उसी से कनेक्टेड ये टॉपिक है। तो अगर आप लोग पहले मिनट्स वाला चीज़ वीडियो देख लेंगे ना, तो ये वाला चीज़ को और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। खैर मैं आपको बता देता हूँ, ये मेन रिवाइज्ड प्रोजेक्ट शेड्यूल है, मतलब पहले मीटिंग में डिसाइडेड हुआ था कि प्रोजेक्ट एक सर्टेन डेडलाइन था, लेकिन उसमें जो मेंबर था उन्होंने आपत्ति जताया कि नहीं ये बहुत ज़्यादा जल्दी हो जा रहा, हम लोग को थोड़ा सा काम करने का और समय दिया जाए, तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज किया जाए प्रोजेक्ट शेड्यूल को, ताकि थोड़ा सा ज़्यादा समय दिया जाए, बढ़िया से काम हो। तो उसी विषय में यहाँ पे रेजोल्यूशन प्रस्ताव पारित किया जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट शेड्यूल को रिवाइज किया जाएगा, परिवर्तित किया जाएगा,
उसका विपक्ष में या पक्ष में वोट डाल करके इसको मतलब ये प्रस्ताव को पास या फेल कराना है। तो वो है टाइटल अडॉप्शन ऑफ रिवाइज प्रोजेक्ट शेड्यूल। फिर ये डेट कि कौन सा दिन को ये लिया जा रहा है, 23 नवंबर 2023। अब जो भी डेट होगा उस हिसाब से आप देंगे, ठीक है। रेजोल्यूशन, अब यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बोला था ना कि थोड़ा सा डिटेल्स में लिखना है, बहुत ज़्यादा पन्ना भर देना नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा की डिटेल्स भी दे देना है शॉर्ट में करके। देखिए वहाँ वैसे ही दिया हुआ है, द टीम हैज़ रिव्यूड द करेंट प्रोजेक्ट स्केड्यूल एंड एक्नॉलेजेस द नीड फॉर एडजस्टमेंट्स टू एंश्योर रियलिस्टिक एंड अचीवेबल माइलस्टोन्स। यानी कि जो टीम है ना वो रिव्यू किया है अभी जो प्रोजेक्ट का डेडलाइन चल रहा है उस पर, वो लोग फिर से एनालाइज किए हैं, फिर से रिव्यू किए हैं, और वो लोग को लगा है कि नहीं रियलिस्टिकली ये अचीवेबल नहीं है, ठीक है। इतना जल्दी अगर टाइमलाइन दे दिया जाए तो उसको वास्तविक में उसको संपूर्ण करना संभव नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। देयरफॉर द टीम रिजॉल्व्स टू अडॉप्ट अ रिवाइज प्रोजेक्ट स्केड्यूल एज प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द मीटिंग ऑन नवंबर 23, 2020। 2023 साल का 23 नवंबर में जो मीटिंग है उसका तहत टीम क्या कर रहा है, एक रिवाइज प्रोजेक्ट स्केड्यूल को पारित करने के लिए ये प्रस्ताव रखा जा रहा है कि प्रोजेक्ट शेड्यूल को रिवाइज किया जाए, ठीक है। ये होगा आपका डिटेल्स रेजोल्यूशन के बारे। अब आता है रिजल्ट, ठीक है, कि उसका मतलब होगा क्या, उसका रिजल्ट क्या हुआ। द रिवाइज प्रोजेक्ट शेड्यूल वॉज एक्सेप्टेड विथ मेजॉरिटी अप्रूवल। द अपडेटेड टाइमलाइन एम्स टू एड्रेस कंसर्न्स रेज्ड ड्यूरिंग द मीटिंग एंड अलाइंस विद द टीम्स कमिटमेंट टू डिलीवरिंग क्वालिटी रिजल्ट्स। यानी कि ये प्रस्ताव का अल्टीमेटली फलाफल क्या हुआ कि प्रस्ताव पारित हो गया, और वो भी एकदम बड़ा मेजॉरिटी के साथ, ठीक है, छोटा मोटा नहीं, एकदम भारी भर का मेजॉरिटी के साथ प्रोजेक्ट पारित हो गया, प्रस्ताव पारित हो गया। और अभी जो अपडेटेड टाइमलाइन हुआ है, थोड़ा सा और समय दिया गया है, इसमें विश्वास रखा जा रहा है कि ये टाइमलाइन के अंदर सब कोई टीम मेंबर अपना 100% दे सकेंगे, और बहुत बढ़िया तरीके से जो उद्देश्य से प्रोजेक्ट को पारित किया गया है, प्रोजेक्ट को लाया गया है, वो बहुत ही सक्सेसफुली वो सफल होगा, ठीक है, प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया तरीके से संपन्न होगा। अब वोट्स का डिटेल्स इसमें डाला जा रहा है, ठीक है, कि किसने वोट्स दिया, फॉर में किसने, अगेंस्ट में किसने, वो यहाँ पे आ रहा है। इन फेवर मतलब पक्ष में किसने दिया, जॉन स्मिथ, मैरी जॉनसन, रॉबर्ट डेविस, सारा थॉमसन, जेम्स वाइन, इन 5 लोगों ने दिया है। और एक्चुअली अगर आप पहले मिनट्स वाला वीडियो देखे तो आपको पता होगा कि यही 5 लोग ही थे, मतलब पांचों के पांचों पक्ष में ही दिए। देखिए अगेंस्ट में क्या लिखे, नन, मतलब कोई नहीं, पांचों के पांचों पक्ष में ही दिए हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर रिजोल्यूशन में है ना कि सब कोई 100% एक तरफ डिसीजन, अगर पक्ष में है तो सारे लोग पक्ष में ही जाए, अगर विपक्ष में है तो सारे लोग विपक्ष में जाए, ऐसा कोई बात नहीं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पक्ष में कितने भी रह सकते हैं, विपक्ष में कितने भी रह सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक वोट से मतलब प्रस्ताव पारित हुआ या खारिज हो गया, ऐसा भी हो सकता है कि टाई हो जाए, ठीक है। मान लीजिए 40 टोटल आदमी है, टीम मेंबर है जो वोट कर रहे हैं, 20 ने पक्ष में वोट दिया, 20 ने विपक्ष में वोट दिया, तो इस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में जो रिजल्ट में तब तो ना पारित लिखा होगा ना खारिज लिखा होगा, तब क्या लिखा रहेगा, तब आपको लिखना है कि प्रस्ताव ये जो है ये टाई हो गया है, पक्ष और विपक्ष में इक्वल आदमी दिए हैं, तो इसीलिए हम लोग इसे फिर से एक बार मीटिंग बुलाएंगे, ठीक है, और इसमें फिर से डिस्कशन किया जाएगा, और मतलब एक समान मत में आने का कोशिश किया जाएगा, ओपिनियन में आने का कोशिश किया जाएगा, दरकार पड़े तो उसके बाद फिर से रिजोल्यूशन पास होगा, ठीक है। तो जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से आपको रिजल्ट लिखना है ना। एब्सटेंशन नन, यानी वोट देने से मतलब वोट दान का जो प्रोसेस है उसमें से किसी ने भी खुद को अलग नहीं किया, कोई भी वोट दान को अवॉइड नहीं किया, सबको वोट दिया है, ठीक है। और आखिर में क्या इसका स्टेटस है, पास या फिर, ऑब्वियसली सब कोई ने यस बोला है तो पास ही होगा, तो द रेजोल्यूशन इज हेयर बाय पास्ड, यानी ये प्रस्ताव पारित होता है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा रेजोल्यूशन ऑफ मीटिंग, उसका सैंपल और उसका स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल में अवश्य प्रेस करें, क्योंकि ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज आने वाला है। ओके, सो स्टे ट्यून्ड गाइस, मोर वीडियोज आर कमिंग अप, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।